हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एंड पॉप्स कुकिंग। आज हम बना रहे हैं हरियाली मटन। ये बनाने में बहुत इजी होता है और बहुत कम समय में बन करके तैयार हो जाता है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। आज हम बनाएंगे हरियाली मटन। हरियाली मटन बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है, 100 ग्राम धनिया और 250 ग्राम पालक, 1 कटोरी दही, 4 बारीक चौक प्याज और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले हमको मटन को फ्राई करना है। मटन फ्राई करने के लिए मैंने एक कुकर को गैस पे रखा है और इसमें 50 ग्राम तेल डाला है। आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में बनाने में बहुत टाइम लगेगा। इसको बनाने में करीब 1 घंटा लग जाएगा और ये कुकर में आधे घंटे में बन के तैयार हो जाएगा। तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची और 1 ये स्टार फूल। इलायची का थोड़ा सा मुंह खोल लेना, इलायची को बीच से ऐसे खोल देना जिससे कि इसका फ्लेवर अच्छे से मटन में आ जाए। 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, थोड़ा सा दालचीनी। खड़े मसाले जब थोड़ा सा भुन जाए तो इसमें हमें डालना है प्याज को। प्याज को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मटन को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको ढक कर के 5 से 7 मिनट के लिए पकने दें। मटन को भूनते हुए जब 5 से 7 मिनट हो जाएं, उसके बाद उसमें डालेंगे नमक। नमक आपको अपने स्वाद अनुसार डालना है। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें हमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है, बस हल्दी और नमक का ही इस्तेमाल करना है। इसी से ये इतना टेस्टी बन करके तैयार होगा। हल्दी और नमक डालने के बाद इसको 5 मिनट तक फ्राई करें और गैस की फ्लेम को कम कर दें और इसमें 1 कटोरी दही डाल दें। ये इसमें हमें 1 कटोरी दही डालना है। दही डालने के बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो हमारी दही फट जाएगी। इसे चलाते हुए 5 मिनट के लिए पका लें। अगर हमने इसको अभी ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारी दही फट जाएगी और मटन का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। इतने हमारा मटन बन करके तैयार होता है। हम ये पालक और धनिए का एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। इसमें मैंने ये 10 से 12 हरी मिर्च डाला है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। पेस्ट हमारा बन गया है। आइए एक बार मटन को चेक करते हैं। 1 कप पानी डालना है। और 4 सीटी आने तक इसको ढक्कन लगा के हमें अच्छे से पकाना है। 4 विजिल आ गई थी और मैंने इसको बंद कर दिया है। अब इसको खोल के हम एक बार चेक कर लेते हैं। मटन हमारा गल करके तैयार है। गैस को ऑन करेंगे। आप मटन को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका मटन गल चुका है तभी आप इसमें ये पेस्ट डालें। कभी कभी क्या होता है, मटन गलने में थोड़ा टाइम ले लेता है। ये मैंने 1/2 कप पानी मिक्सी में डाल करके इसमें डाल दिया है। पेस्ट को डालने के बाद आप इसमें एक बार मिर्च और नमक जरूर टेस्ट कर लें। नमक टेस्ट करने के बाद इसमें 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल करके इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें।
बस 5 मिनट में हमारा मटन बन करके तैयार है। 5 मिनट हो गए हैं, आइए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मटन भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को बंद कर दें, इसको हम एक बाउल में सर्व करेंगे। हरियाली मटन बन करके तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।